नमस्कार साथियों, जय माता दी की, जय माँ करणी। आशापुरा सफ हाउस बाड़मेर पेज को फॉलो करें, लाइक करें वीडियो को। आज मैं आपको जोधपुरी सफ़ा बांधना सिखाऊंगा। अब देखते रहें, मैंने कि पट्टा पहले बनाया, फिर कंटिन्यू तीन पट्टे लिए हैं, अब चौथा पट्टा चल रहा है। इन पट्टों को फिनिशिंग के साथ में लिया जाता है। अब ध्यान से देखते रहें, चार पट्टे कंप्लीट होने के बाद में एक बार पूरे साफे को फिनिशिंग किया जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, हमारे पेज को एक बार फॉलो कर दीजिए। हम डेली कंटिन्यू रील चढ़ाते हैं, जैसे कि चार पट्टे लेने के बाद में एक पूरी तरह से फिनिश कर दिया साफे को, और फिर पांचवा पट्टा थोड़ा नीचे फिनिशिंग बना के लिया। अब सारे के सारे पट्टे फिनिशिंग के साथ में आएंगे। पचरंगी साफे में अक्सर ऊपर दिखने वाले पांच पट्टे होते हैं, लेकिन इसमें पचरंगी ये साफा नहीं है, डबल कलर है। ये चौथा पट्टा भी ले लिया है हमने, अब पांचवा पट्टा लिया जाएगा। ये पांच पट्टे और इसके साथ में ये जोधपुरी साफा बन के आपके सामने तैयार हो चुका है।